हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की मैथमेटिक्स बुक से एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर फर्स्ट, जो आपका सेट्स हैं। इस चैप्टर से मैं कराने वाला हूँ आपको ये एक्सरसाइज 1.3। और ये जो एक्सरसाइज है हम दो पार्ट में करने वाले हैं। आज इसका फर्स्ट पार्ट है, कुछ क्वेश्चन आज करेंगे, जो क्वेश्चन बच जाएंगे उसे मैं करवाऊंगा सेकेंड पार्ट में। चैनल पर नए हो, पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन। यहां मैं आपके मैथ्स की बुक से पूरी एक्सरसाइज, पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा रहा हूं, ठीक है। तो अभी हम लोग का जो हम लोग कर रहे हैं अभी एक्सरसाइज 1.3 करने वाले हैं, यानी कि फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। और ये जो फर्स्ट चैप्टर है, इसे स्टार्ट जैसे किया था मैंने, तो मैंने एक वीडियो भी बनाया था आपको, जो मैंने बताया था कि ये कॉन्सेप्ट वाली वीडियो है, क्योंकि अगर मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाने लग गया आपको तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। इसलिए मैंने एक स्पेशल वीडियो फुली डेडिकेटेड है सेट्स के ऊपर, ये मैंने आपके लिए बनाया है, जिसके अंदर आप सेट्स से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट, प्रॉपर्टीज, ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट है, प्रॉपर्टी है, लॉ है, आइडेंटिटी है, फार्मूला है, सब कुछ आपको इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग जो इसके अंदर जो हम करने वाले हैं, वो हम करने वाले हैं सबसेट करने वाले हैं। और आज के जो क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन होने वाले हैं, यानी कि 1.3 के अंदर जो भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं, इसके इस प्रॉपर्टी के बेस पे करने वाले हैं। तो एक बार आप ये वीडियो जरूर देख लेना अगर अभी तक नहीं देखा है तो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलो पहले समझते हैं ये सबसेट्स होता क्या है। तो सेट की डेफिनेशन तो आप समझ चुके होंगे, कोई भी सेट का मतलब एक कलेक्शन से है। अब सबसेट का मतलब क्या है उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं, डेफिनेशन क्या है। ए इज सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो कंटेन इन बी। यानी कि आप ये जो पहले एक सिंबल है, पहले इस सिंबल के बारे में समझ लो। इस सिंबल का मतलब होता है सबसेट, ठीक है। और इधर अगर मैंने ए लिख दिया, ठीक है, और इधर मैंने बी लिख दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो बी का सबसेट होगा, ठीक है। यानी कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे, सपोज मैं कुछ एलिमेंट ले लेता हूं 1, 2, 3, ठीक है, ये ए के अंदर ये कुछ एलिमेंट है सेट ए के अंदर। अब मैं बात करता हूं सेट बी की, तो सेट बी के अंदर कुछ एलिमेंट मैं रख लेता हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से मैंने कुछ एलिमेंट बी के अंदर रख दिए, ठीक है। तो सबसेट ए का मतलब होता ये है कि भी ए सबसेट ऑफ बी की मीनिंग ये हुई कि भी बी एक बड़ा सेट होगा, जिसे हम पावर सेट भी बोलते हैं। इस बी सेट के अंदर वो सारे एलिमेंट होंगे जो कि सेट ए के अंदर है। अगर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर हैं, तब हम इसे इस तरह लिख सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए के अंदर एक जैसे यहां पर मैं क्या करूंगा 1, 2, 3 लिख दूं यहां पर, यानी कि बी के अंदर क्या है 1, 2, 3 तो होगा ही होगा, इसके अलावा कुछ और भी चीजें होंगी। कैसे, देखो जरा इसे 4, 5, 6 ये एलिमेंट और होंगे। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि सेट बी के अंदर आपके पास ज्यादा एलिमेंट होंगे और सेट ए के अंदर आपके पास कम एलिमेंट होंगे, ठीक है। और ए के सारे एलिमेंट जब बी के अंदर हैं तो हम ये कंडीशन लगा सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, कि जो ए होगा वो क्या होगा, सबसेट होगा बी का होगा। जो भी इस तरफ ओपन, जिस तरफ ये साइड ओपन दिख रहा है आपको, वो तो पावर सेट होता है, और जिस तरफ ये क्लोज दिख रहा है कर्व बना हुआ, ये सबसेट होते हैं, ठीक है। तो सबसेट की डेफिनेशन आप इस तरह बोल सकते हो, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, जैसे मैंने लिखा है यहां पे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ए के वो सारे एलिमेंट किसके अंदर होना चाहिए, बी के अंदर होना चाहिए, तब आप बोलोगे कि ए क्या है, सबसेट है, और बी हमारा पावर सेट, ठीक है। एक और एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ये लेते हैं कि कोई भी इंटीजर ले लो, जितने भी इंटीजर है, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, वो सब के सब किसके अंदर आते हैं, रियल नंबर के अंदर आते हैं। यानी कि रियल नंबर है, जिसे हमें रियल नंबर है आर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे आर जो रियल नंबर का सेट है, इसके अंदर जो एलिमेंट है बहुत सारे एलिमेंट है, और उसी के अंदर पॉजिटिव नंबर भी आते हैं और नेगेटिव नंबर, यानी कि नेगेटिव नंबर और ये पॉजिटिव नंबर दोनों आते हैं। और इन दोनों को जब मैं कंबाइंड कर देता हूं, इन दोनों नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर को, तो हमारे पास ये इंटीजर बन जाता है, ठीक है। क्या बन जाता है, इंटीजर बन जाता है। तो आप ये बोल सकते हो कि भी बड़ा सेट के अंदर, भी बड़े सेट के अंदर से एलिमेंट को आप निकाल के एक छोटा सेट बना सकते हो, उस छोटे सेट को हम बोलते हैं सबसेट, और जो बड़ा सेट होता है उसे हम बोलते हैं पावर सेट, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। और ये जो सिंबल है, आप इस सिंबल को भी आपको ध्यान रखना है कि सिंबल इस तरह यूज कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेना चाहो तो ले सकते, जैसे मैं एक सेट ले लेता हूं जेड और एक ले लेता हूं वाई, ठीक है। तो वाई का मतलब मैं ये मान लेता हूं कि क्लास 11th में जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी बात करूं मैं, ठीक है। और जेड का मतलब मैं बात करता हूं आपके स्कूल में जितने स्टूडेंट हैं, यानी कि स्कूल में क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक है, ठीक है। क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक स्टूडेंट है जेड सेट के अंदर, और क्लास
इलेवंथ में जितने स्टूडेंट है वो कौन से सेट के अंदर, वाई सेट के अंदर, यानी कि वाई क्या है, वाई के अंदर जितने भी बच्चे हैं, जितने भी एलिमेंट है जेड के अंदर है, यानी कि स्कूल में इलेवंथ क्लास क्या है, इलेवंथ क्लास आपका जो है वो एक सबसेट है। अगर मैं स्कूल की बात करूं तो स्कूल के अंदर बहुत सारे क्लास है, क्लास वन से लेकर ट्वेल्व तक क्लास है, यानी कि ट्वेल्थ क्लास में मान के चल रहा हूं अगर वन सिंगल सेक्शन स्कूल है तो, यानी कि ट्वेल्थ क्लास है वन से लेकर ट्वेल्थ तक, और आपकी क्लास क्या है उनमें से एक क्लास है, यानी कि आपकी क्लास क्या होगी, यानी इलेवंथ क्लास क्या होगा, सबसेट हो गया, और जो स्कूल है पूरा जिसमें क्लास वन से लेकर ट्वेल्व तक है ये क्या होगा, सुपर सेट हो गया, पावर सेट हो गया। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट सबसेट का। चलो अब क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा क्लियर होगा आपको कि जब इसे यूज करोगे आप, तो सिंबल को ध्यान रखना है। और हाँ एक सिंबल और है कि अगर मैं इसमें क्रॉस लगा दूं, ठीक है, जैसे इक्वल टू लिखते हैं और क्रॉस लगा लेते हैं तो क्या बोलते हैं उसे, नॉट इक्वल टू। सिमिलरली यहां पे भी क्या करूंगा, अगर क्रॉस लगा दूंगा तो इसका मतलब हो जाता है नॉट सबसेट। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके समझा देता हूं मैं आपको। जैसे मान लेता हूं एक बी सेट ले लिया, एक डी ले लिया मैंने, और मैंने कुछ इस तरह से क्रॉस लगा दिया, इसकी मीनिंग ये है कि बी इज नॉट सबसेट ऑफ डी, बी क्या है, डी का सबसेट नहीं है, तब ये सिंबल यूज करेंगे। और अगर मैंने इस तरह लिख दिया इसे, इस तरह से, तो आप ये बोल सकते हो ए इज ए सबसेट ऑफ बी, कि ए सबसेट है, बी सुपरसेट या फिर पावर सेट है। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है, जैसे कि आप रीड कर पा रहे हो, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल्स सेट और नॉट सबसेट, सबसेट और नॉट सबसेट को यूज करके हमें इसे फिल करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन वन के अंदर हमें ये दोनों सिंबल यूज करना है, इस सिंबल का मतलब है सबसेट। ठीक है, यहां लिख देता हूं दोबारा से एक बार समझने के लिए, इसमें एक मिनट, इसके लिए लिख सकते हो सबसेट लिख दिया इसकी मीनिंग। ठीक है, और जब मैं ऐसे लिखूंगा इस तरह, इसका मीनिंग होता है नॉट सबसेट। जब ये इक्वल टू का साइन, ये वाला सिंबल है तो इसका मतलब है ये सबसेट है, और अगर ये सिंबल यूज करेंगे तो नॉट ए सबसेट, ये आपको ध्यान रखना है। चलो अब एक एक करके वन बाय वन देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर फर्स्ट सेट के अंदर एलिमेंट क्या क्या है आपके पास, टू थ्री एंड फोर है, ओके, और जो सेकंड सेट है आपके पास उसके पास क्या है, वन टू थ्री फोर फाइव है। तो ध्यान से देखो, यहां पे टू है, बिल्कुल टू है, थ्री है, फोर है, क्या इसके पास टू थ्री फोर है, हाँ भाई, ये तीनों एलिमेंट जो इसके पास है, तो आप यहां पे क्या पुट कर सकते हो, ये सिंबल लगा सकते हो, कौन सा, सबसेट का। तो आप इसे लिख सकते हो कि भाई टू थ्री और फोर, ये जो सेट बन रहा है ये क्या है, सबसेट है इस बड़े सेट का। बड़े सेट में क्या क्या है, वन टू थ्री फोर और ये फाइव। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट में ये करना था। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है कि भी एक ए बी सी थ्री एलिमेंट्स है, ठीक है, फर्स्ट सेट के अंदर। सेकंड सेट जो आपके पास है उसके पास है बी सी डी, तो ए यहां पर है, यहां पे ए नहीं है। जब ए नहीं है इट मींस क्लियर हो गया कि ये वाला जो ये सबसेट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसके पास ए एलिमेंट जो है, ए एलिमेंट, इनके पास ए एलिमेंट है ही नहीं। जब ए कोई एलिमेंट नहीं है इट मींस वो सबसेट बन नहीं सकता। कंडीशन ये है कि जो भी सबसेट बनेगा, ठीक है, उसके सारे एलिमेंट बड़े वाले सेट के अंदर होने चाहिए। यानी कि अगर मैं मान के चलूं, एक एग्जांपल, एक सेकंड पार्ट को ही करवा रहा हूं मैं, कि मैंने ए अज्यूम कर लिया, फर्स्ट सेट को मैंने ए अज्यूम कर लिया जिसके अंदर आपके पास एलिमेंट क्या है, ए बी सी है। ठीक है, सेकंड सेट की बात करूं तो इसके अंदर आपके पास क्या है, बी सी और डी है आपके पास। यहां पे ए एलिमेंट है लेकिन इसके पास ए एलिमेंट नहीं है, तो क्लियर हो गया कि भी ये जो सेट ए है वो बी का सबसेट नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि इसके पास ए एलिमेंट है ही नहीं। क्लियर हो गया, तो इसलिए यहां पे लिखा है नॉट अ सबसेट। कौन सा सिंबल यूज किया मैंने, नॉट अ सबसेट, ये यूज करेंगे इसमें। अगर एलिमेंट मिल जाते हैं तो मैं ये यूज करता, नहीं मिल रहे तो ये यूज करना। अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपसे बोला जा रहा है एक्स। अब ये है, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, एक सेट रोस्टर फॉर्म होता है, एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है। सेट को लिखने के दो तरीके हैं। अगर कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है तो प्लीज ये वीडियो जरूर देखो, जिसके अंदर मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन, जब ये वाला पॉइंट सिखाया है उसके अंदर, वहां आप दे सकते हो। सेट को लिखने के दो तरीके हैं, ठीक है, सेट को लिखने के दो तरीके, जैसे मैं बता रहा हूं, एक होता है सेट रोस्टर फॉर्म, ठीक है, सेट रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, एलिमेंट को एज इट इज लिख लेते हैं, जैसे वन टू थ्री फोर फाइव लिख लिया। और सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर क्या करते हैं कि भी इसको लिखने की जगह, बिल्डर फॉर्म में इसे लिखने की जगह क्या करते हैं, हम कंडीशन लगा लेते हैं, कुछ कंडीशन लगा लेते हैं, जैसे x डेट x इज ए नंबर फ्रॉम वन टू थ्री, कुछ इस तरह से एक कंडीशन लगा लेते हैं, एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं इसके अंदर। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर कंडीशन लगाया जाता है और सेट रोस्टर फॉर्म के अंदर एलिमेंट को एज इट इज लिख दिया जाता है। तो जरूर देखना वीडियो, ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर। तो थर्ड के अंदर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में
आपको क्वेश्चन गिवन है, तो इसमें ये बोला जा रहा है कि x सच डेट x इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया था इसी का ही, कि क्लास 11 में जितने भी बच्चे हैं वो क्या है, वो एक कंबाइंड कर दें तो उसका एक सेट बन जाता है क्लास 11 का। अच्छा, दूसरा सेट के बारे में बोला जा रहा है x सच डेट x इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, यानी कि आपके स्कूल में जितने भी बच्चे हैं यानी क्लास 1 से लेकर 12 तक, वो सारे एक सेट हो गया। और आपकी 11 क्लास की, सिर्फ 11 क्लास की बात कर रहा हूं, ठीक है, उसके अंदर जितने बच्चे हैं वो एक सेट है, यानी कि 11 क्लास स्कूल के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो ये क्या सबसेट होगा, यानी कि 11 क्लास स्कूल का सबसेट होता है। तो आप ये सिंबल यूज करोगे सबसेट का, ये देखो, ठीक है, जो मैंने यूज किया है ये सबसेट वाला, ये वाला, ठीक है, इस तरह से यूज करना है इसके। अब देखते हैं फोर्थ स्टेटमेंट। तो फोर्थ में आपसे बोला जा रहा है x सच डेट x इज अ सर्कल इन अ प्लेन, एक प्लेन है, प्लेन के अंदर सर्कल, कोई भी एक प्लेन ले लो, जैसे मैंने ये एक प्लेन ले लिया जिसके अंदर आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल के अंदर जो भी एलिमेंट आएंगे, ठीक है, वो क्या है, वो हो गया आपका फर्स्ट सेट। अच्छा, सेकंड सेट के बारे में बोला जा रहा है x सच डेट x इज अ सर्कल, x इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट, यानी कि इसके अंदर क्या, इसी के अंदर एक और आपसे बोला जा रहा है कि एक और सर्कल है और उसका जो रेडियस है, रेडियस 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, और इसके अंदर बोला जाए कि एक सर्कल है, ये बड़ा सर्कल है, ये छोटा सर्कल है, लेकिन एलिमेंट के बारे में ज्यादा डिटेल में आपको कुछ भी गिवन नहीं है। इसमें तो ये बोल दिया कि 1 सेंटीमीटर वाला सर्कल है, लेकिन इसके बारे में कुछ बताया नहीं कि भी आपका ये कितने सेंटीमीटर वाला एक सर्कल है। तो यानी कि आप ये कह सकते हो कि भी ये इसका सबसेट नहीं होगा, क्योंकि हमें एलिमेंट की जानकारी है ही नहीं कि मैचिंग एलिमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो आप फोर्थ में क्या लिखोगे, नॉट अ सबसेट लिख दोगे, ठीक है, ये देखो इस वाले में। अब बात करते हैं फिफ्थ की। तो फिफ्थ में आपसे बोला जा रहा है कि x सच डेट x इज ए ट्राइंगल इन अ प्लेन, अब एक प्लेन है, कोई भी प्लेन का मतलब कोई भी सरफेस ले लो जिसके अंदर एक डायग्राम क्या बनाना है आपको, ट्राइंगल एक डायग्राम बनाना है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है कि भी नेक्स्ट में x सच डेट x इज रेक्टेंगल इन अ प्लेन, यानी कि प्लेन का मतलब है कोई भी एक कागज ले लो, ठीक है, ये आपने एक रेक्टेंगुलर कागज ले लिया, एक इसके अंदर आपने फर्स्ट पहले तो एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, और उसके बाद नेक्स्ट जैसे इसमें बोला था इसमें क्या, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया आपने इसके अंदर, और नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है इसमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो। अब बताओ भी इनके बीच में क्या ये सबसेट बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है ट्राइंगल की और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है, दोनों की प्रॉपर्टी अलग होने की वजह से कोई एलिमेंट मैच नहीं कर रहा, जो मैच नहीं कर रहा इट मींस इसे हम क्या बोल सकते हैं, ये सबसेट नहीं बनेंगे एक दूसरे के, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि ट्राइंगल इज नॉट अ सबसेट ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, ट्राइंगल इसका सबसेट नहीं होगा क्योंकि एलिमेंट के बारे में कोई जानकारी है नहीं इसके। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट, यानी कि सिक्स पार्ट देखते हैं। तो सिक्स पार्ट में आपसे बोला जा रहा है x सच डेट x इज एन इक्विवेलेंट इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन, इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, वो ट्राइंगल जिसकी सारी साइड इक्वल होगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल आपके पास। और नेक्स्ट आपसे बोला x सच डेट ट्राइंगल इन अ सेम प्लेन, x सच डेट ट्राइंगल इन द सेम प्लेन, यानी कि आपसे ये बोला जा रहा है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर लो पहले, ठीक है, तो मैं इस डायग्राम को यहां ड्रॉ करता हूं, ये एक प्लेन ले लिया आपने इसके अंदर, इसके अंदर आपने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। अब आपसे ये बोला जा रहा है कि इस के ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, इसी के ऊपर एक सेम ट्राइंगल है एक और, यानी कि इसी को ओवरलैप कर लो, यानी जैसे एक ट्राइंगल बनाया इसी के ऊपर एक ट्राइंगल बनाया, यानी कि इसी सेम इसी के ऊपर, तो दोनों के ट्राइंगल सेम ही है, इट मीन्स ये होंगे दोनों के एलिमेंट भी सेम है, जब एलिमेंट सेम है इट मीन्स ये सबसेट बन जाएंगे। दोबारा बोल रहा हूं, जरा ध्यान से सुनो, कि एक ट्राइंगल आपको बोला गया, कौन सा ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल बोल दिया, तो मैंने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लिया। सेकंड में आपसे ये बोला जा रहा है कि एक ट्राइंगल है, सेम ट्राइंगल है, इसी प्लेन में एक और ट्राइंगल है, यानी कि इसी के ऊपर रिपीट करना है आपने, यानी कि सेम एलिमेंट है, जो एलिमेंट फर्स्ट वाले में था सेम एलिमेंट सेकंड वाले में भी है, तो दोनों की दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सबसेट हो गए, ठीक है। तो आप यहां क्या सिंबल लगा सकते हो, सबसेट का सिंबल लगा सकते हो। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट में आपसे बोला जा रहा है, सेवंथ में बोला जा रहा है कि x सच डेट x इज अ इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर का मतलब हुआ कि 2, 4, 6 इस तरह से सारे नंबर, ठीक है। और दूसरा सेट के बारे में बोला जा रहा है इंटीजर बोला जा रहा है, तो इंटीजर के अंदर तो भाई पॉजिटिव इंटीजर नंबर भी आएंगे, नेगेटिव नंबर भी आएंगे, सारे नंबर आ जाएंगे, ठीक है, नेगेटिव नंबर भी आ जाएंगे, पॉजिटिव नंबर भी आ जाएंगे, यानी कि नेगेटिव इंटीजर भी आ जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर भी आ जाएंगे, और उसके अंदर से अगर आप पॉजिटिव वाले 2 के टेबल में आने वाले 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये सारे निकाल दो, ठीक है, वो सब क्या है, वो इसके क्या हो जाएंगे, सबसेट हो जाएंगे। तो आंसर क्या लिख सकते हो, सबसेट लिख सकते हो इसके,
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सबसेट का मतलब एक छोटा सेट है जो कि बड़े सेट का पार्ट है, ठीक है। यानी कि सबसेट के अंदर वो सारे एलिमेंट, जो भी इतने भी एलिमेंट है, वो सब के सब बड़े सेट के अंदर होने चाहिए। अगर इस कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इट मीन्स इस छोटे वाले को सबसेट कहोगे, अब बड़े वाले को पावर सेट बोल सकते हो, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टू के अंदर आपसे बोला जा रहा है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको सबसेट को ध्यान में रखते हुए ये जो गिवन स्टेटमेंट है, ये चेक करना कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर करेक्ट है, यानी कि करेक्ट है, तो इट मीन्स सबसेट की कंडीशन को देखते हुए करेक्ट है तो आप ट्रू लिखोगे, अगर गलत लग रहा है, आपको कहीं गलती है, तो वहां फॉल्स लिखोगे, ठीक है। चलो देखते हैं। तो फर्स्ट, जैसा कि आप देख रहे हो, यह आपके पास ए बी सी लिखा, ए और बी है, सॉरी ए और बी। फर्स्ट सेट के अंदर क्या है, ए और बी है, दो एलिमेंट है, और सेकेंड सेट के अंदर बी सी ए है। यानी कि इसके अंदर ये देखो एलिमेंट क्या है, ए और बी है। क्या इसके पास ए और बी है? हाँ बिल्कुल है। ये देखो, ये ए भी है और बी भी है, दोनों भी है। यानी कि जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला जो सेट है, ये इसका सेकंड वाले का सबसेट है। यानी कि सिंबल कौन सा यूज होना चाहिए, ये वाला यूज होना चाहिए, सबसेट वाला। पर इन्होंने यूज कौन सा कर लिया है, नॉट ए सबसेट वाला सिंबल यूज कर लिया है, जो कि गलत हो गया, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, स्टेटमेंट फॉल्स। कंडीशन क्या लिख दोगे, कंडीशन ये लिखोगे कि ये आपके पास जो ए बी सेट है, ठीक है, ए बी सेट है, ए बी सेट क्या है, ये सबसेट है इस बड़े सेट के, ए बी के अंदर जो एलिमेंट का जो सेट है, ये सबसेट है बड़े सेट के अंदर, यानी कि बी सी ए वाले का, ठीक है। यानी कि ए बी है, इसके पास बी बी है, यानी ये सबसेट होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या दे दिया, ये नॉट ए सबसेट दे दिया, जो कि गलत है, यानी स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। तो सेकंड में आपसे बोला जा रहा है, एक सेट दिया आपके पास ए ई, ए और ई एलिमेंट है इसके अंदर, अच्छा। सेकंड सेट में आपको दिया है एक्स डेट, एक्स इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट में जो भी वॉवल होते हैं उसके बारे में, तो भाई पहला सेट जो आपके पास है वो तो आपके पास ए और ई हो गया, फर्स्ट सेट की अगर मैं बात करूं। अगर मैं सेकंड सेट की बात करूं तो ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें स्टेटमेंट गिवन है। पहले इसको हम क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। रोस्टर फॉर्म का मतलब इसके एलिमेंट लिखेंगे, तो क्या क्या एलिमेंट होंगे, ए ई आई ओ यू। देखो मैं इंग्लिश में पढ़ा रहा हूं आपको, है ना, वॉवल पढ़ा दिया मैंने। तो वॉवल के अंदर कितने एलिमेंट है, यहाँ पे फाइव एलिमेंट है, ठीक है, इस सेट के अंदर फाइव एलिमेंट। और ए और ई इस सेट के अंदर है, बिल्कुल है, ए भी है, ई भी है, तो ये क्या होगा, इसका सबसेट हो जाएगा। यानी कि ये जो आपको दे रखा है यहां सबसेट का साइन, ठीक है, सबसेट का जो साइन दे रखा है, ये बिल्कुल करेक्ट दे रखा है, ठीक है। तो यानी कि ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। समझाने के लिए मैंने आपको ये पूरा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया। अब देख लेते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपसे बोला जा रहा है कि आपके पास एक सेट है, फर्स्ट सेट, जिसमें वन टू थ्री एलिमेंट है। सेकंड सेट के अंदर आपके पास वन थ्री एंड फाइव एलिमेंट है, ठीक है भाई। वन इसके पास है, यहां भी वन हो गया। टू इसके पास है, फर्स्ट सेट के अंदर जो एलिमेंट टू है, सेकंड में नहीं है। नहीं होने की वजह से सिंबल क्या होना चाहिए, नॉट ए सबसेट होना चाहिए था, ठीक है। कौन सा सिंबल होना चाहिए, नॉट ए सबसेट होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन ये सिंबल है ही नहीं, यहां पे इन्होंने गलत क्या दे दिया आपको, सबसेट का दे दिया, लेकिन ये सबसेट का नहीं होना चाहिए, नॉट ए सबसेट का होना चाहिए। तो आप लिखोगे स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स हो गया, थर्ड वाला फॉल्स हो गया। याद करो जब मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 करवाया था, तब मैंने आपको ये बताया था कि ये जो एलिमेंट है, ये जो सिंबल होता है, एप्सिलॉन बोलते हैं, ये जो सिंबल है इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, ठीक है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, यानी कि ये से बिलोंग करता है। यानी कि अगर मैं लिख दूं टू इज बिलोंग्स टू ए, तो इसका मतलब ये होगा कि जो टू है वो किसका एलिमेंट है, सेट ए का एलिमेंट है, ठीक है। तो यहां पे मैंने इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी को बात को रखने के लिए इस तरह भी आंसर लिखेंगे। पहले तो लिखोगे फॉल्स, रीजन क्या लिखा मैंने, टू बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, टू फर्स्ट सेट से तो बिलोंग करता है, इसका मतलब ई जैसे ही है पर ई नहीं है, ठीक है, इसका मतलब है सब ई बिलोंग करता है, इसका बिलोंग करता है। बट जो सेकंड जो है, यानी टू जो है, वो सेकंड सेट से बिलोंग नहीं करता, इसके अंदर टू है ही नहीं हमारे पास, जब नहीं है तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया, नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, इसका मतलब है बिलोंग्स टू, और जब क्रॉस लगा दिया तो नॉट बिलोंग्स टू, तो इससे बिलोंग्स नहीं करता, जब नहीं करता तो इट मीन्स ये इसका सबसेट भी नहीं होगा, यानी कि स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, फॉल्स हो गया, थर्ड वाला स्टेटमेंट फॉल्स। जो स्टेटमेंट में सबसेट दिया है, ये सबसेट नहीं होना चाहिए था, ये नॉट ए सबसेट होना चाहिए, ठीक है। अब फोर्थ देखो, फोर्थ में आपसे बोला जा रहा है एक एलिमेंट वाला एक सेट है, और सेकंड सेट जो आपके पास ए बी सी है, यानी कि ए इसके पास भी है और ए इसके पास भी है, तो यानी कि ये सबसेट बनेगा, बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है। तो यानी कि स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू हो गया फोर्थ वाला, क्योंकि फर्स्ट वाले में एक एलिमेंट है, वो क्या है, वो आपके पास स्मॉल ए, और इसके पास स्मॉल ए भी है और इसके अलावा और भी है,
लेकिन हमें तो सिर्फ इस वाले सेट से मतलब है कि फर्स्ट सेट में जो एलिमेंट है वो सेकंड में होना चाहिए, बिल्कुल है, तो यानी कि ये इसका सबसेट हो गया, ठीक है। चलो अब देखते हैं ये फिफ्थ देख लेते हैं। तो फिफ्थ में अगेन आपके पास फर्स्ट सेट के अंदर ए एलिमेंट है और ये बोला गया सेकंड में कि भाई ये बिलोंग करता है एबीसी से, बिलोंग करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अब जरा ध्यान से देखो, हाँ ये फिफ्थ वाले में जरा ध्यान से देखो, यहां पे इन्होंने ब्रैकेट यूज किया है लेकिन सेट का जो ब्रैकेट होता है वो ऐसा होता है, दोनों में डिफरेंस है। जरा ध्यान से देखो, फिफ्थ वाले में जो सेट का सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से होता है, लेकिन इन्होंने करेक्ट सिंबल यूज नहीं किया, ब्रैकेट थोड़ी यूज करना है हमें बड़ा ब्रैकेट यानी कि ये सिंबल यूज करना था और ये नहीं, बिल्कुल माइनर डिफरेंस है दोनों में, फोर्थ और फिफ्थ में क्या सिंबल गलत यूज कर लिया है और यहां बिलोंग्स टू यूज कर लिया है जो कि गलत हो गया, ठीक है। ये सिंबल यूज नहीं करना था यहां पे इनको, इनको ये सिंबल यूज करना था, बस एक सिंबल की वजह से ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ वाले में आई होप समझ में आ गया होगा कि मैं इसे फॉल्स क्यों बता रहा हूं, फॉल्स इसलिए बता रहा हूं कि इन्होंने सेट वाला जो सिंबल है यानी कि ये सिंबल है ये यूज नहीं किया, इस वजह से मैंने इसे गलत बता दिया यानी कि फॉल्स हो गया। अच्छा इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखते हैं जिसके अंदर आपसे बोला जा रहा है x such that x is a even natural number less than 6, less than 6 से even natural number, कि natural number यानी कि 1 2 3 से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा और even होना चाहिए, तो even का मतलब ये हुआ 1 हो गया, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, ठीक है। क्या क्या होगा, 1 3 5, कहोगे सर 7 क्यों नहीं लिया, 7 इसलिए नहीं लिया क्योंकि less than 6 की बात की गई है, ठीक है, तो हम 5 पे रुक जाएंगे, 1 3 5। और सेकंड सेट की बात करें, सेकंड सेट में आपके पास है x such that x is a, कर्सर को देखो ध्यान से समझ में आएगा, कर्सर देखो x such that, येलो सर्कल जो मूव करवा रहा हूं मैं, x such that x is a natural number which divide 36, natural number जो कि 6 को divide कर देता है, तो 6 को कौन कौन, सॉरी 6 नहीं 36 को divide कर देता है, तो 36 को divide कौन कौन कर सकता है भाई, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, ठीक है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, 4, हाँ 4 भी कर देगा, 4 के अलावा 5 नहीं कर पाएगा, 5 के 6, हाँ 6 कर देगा। अब देखो ये कुछ बन गया, यानी कि मैंने इसे डिटेल में यहां लिखा हुआ है, फर्स्ट आपके पास क्या हो गया, फर्स्ट में आपसे इवन नेचुरल नंबर की बात की गई है, ठीक है, तो इवन नेचुरल नंबर का मतलब ये हो गया आपके पास, अच्छा इवन बोला मैंने, ऑड, सॉरी मैंने यहाँ ऑड नंबर लिख दिया, सॉरी ये थोड़ा ठीक कर लेना, इवन का मतलब होता है, मैं ऑड लेके चल रहा, इवन का मतलब होता है 2 4 6 होता है, 2 4 6 8 इस तरह से, लेकिन हमें लेस देन 6 बोला है, 2 और 4 लेंगे, थोड़ा करेक्शन कर लेना, करेक्शन ये करना है आपको, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था इसका, यहाँ पे जो आंसर दे रहा था मैं आपको, x such that x is a even natural number, तो even natural, करेक्शन है यहाँ पे, even का मतलब होता है even number, यानी कि 2 4 6, मैं ऑड समझ के मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो ये आपके पास 2 और 4 हो गए, ठीक है 2 और 4 हो गया। अच्छा अब इसकी बात करूं तो इसके अंदर कौन कौन से नंबर जो इसको डिवाइड कर सकते हैं, वो ये नंबर्स कर सकते हैं, क्या क्या, 1 से डिवाइड हो जाएगा 36, 2 3 4 6, ये कैसे पता लगा, ये हमने एलसीएम निकालोगे उधर से आपको पता लग जाएगा। तो अब ये जो फर्स्ट सेट है आपके पास ये एलिमेंट है, सेकंड सेट के अंदर ये एलिमेंट है, 2 और 4 इसके पास है, हाँ बिल्कुल ये रहा 2 और ये रहा 4 आपके पास, इसका मतलब ये हुआ जो फर्स्ट सेट है वो सेकंड सेट का क्या है, सबसेट हो जाएगा, इट मीन्स ये हुआ कि 6 स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया। ध्यान रखने का इवन नेचुरल नंबर का मतलब है जो कि 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 2 4 6 8, लेकिन हमें लेना कितना था, 6 से लेस देन लेना था, तो 6 से लेस देन का मतलब है 2 और 4 ही आ पाएगा, 6 नहीं आ पाएगा, ठीक, तो आंसर हो गया आपका ट्रू हो गया। चलो अब देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है लेट ए इज ए सेट, एक आपके पास एक सेट है, ठीक है एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट आपके पास क्या क्या है, 1 2 3 4 5, और इसके अलावा आपको ये भी मेंशन है कि इसके अंदर एक सेट है जो कि 3 4 है, ठीक है ये दे रखा है। अब आपसे क्या बोला जा रहा है, अब वो समझते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, यानी कि हमें गलत स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है और रीजन भी बताना है कि गलत क्यों है, दोबारा बोल रहा हूं करेक्ट नहीं बताना है इसके अंदर हमें, इनकरेक्ट यानी कि जो गलत स्टेटमेंट है वो आइडेंटिफाई करना है और रीजन बताना है कि ये स्टेटमेंट गलत क्यों है, ठीक है। चलो वन बाय वन करते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिखोगे एज इट इज, जैसे मैंने लिखा है इसको एज इट इज नोट कर लो, और नोट करने के बाद पहले चेक करो कि जैसे फर्स्ट बोला गया आपके कि भी ये पूरा कंप्लीट एक सेट है, 3 और 4 ये सबसेट है एक का, हाँ भी बिल्कुल सबसेट है, ठीक है सबसेट है, 3 और 4 इसका सबसेट है, बिल्कुल सबसेट है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये आपका ट्रू है, हमें तो ट्रू है यानी कि ये करेक्ट है, और हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, इनकरेक्ट। तो इसका जो आंसर आप लिखोगे कुछ इस तरह लिखोगे,
भाई ये इट इज गिवन डैट ए एक सेट गिवन है आपके पास, ये देखो ए सेट आपके पास ये गिवन है, ये जो भी एलिमेंट थे ये मैंने क्वेश्चन से उठाया। उसके बाद फर्स्ट वाला जो है आपके पास कि थ्री और फोर क्या है, थ्री और फोर ए सेट से बिलोंग करते हैं, ए सेट के अंदर, देखो ए सेट के अंदर बिलोंग तो करते हैं लेकिन ध्यान ये रखना है आपको ये इंडिविजुअली बिलोंग नहीं करते हैं, बल्कि इसके अंदर भी एक स्मॉल सेट बना हुआ है, कुछ भी नाम रख लो, जैसे सपोज मैंने इसका नाम बी रख लिया समझने के लिए, थ्री फोर इस तरह से, यानी कि एग्जैक्टली नहीं है, यानी कि एलिमेंट की फॉर्म में नहीं है, ये कंबाइंड एक सब इसके अंदर भी एक सेट बना हुआ है, तो इसे मैं क्या बोल सकता हूं, इनकरेक्ट बोल सकता हूं। इनकरेक्ट क्यों बोल रहा हूं, वो इसलिए बोल रहा हूं कि भी थ्री बिल्कुल बिलोंग नहीं करता ए से, ना ही फोर बिलोंग करता है। क्यों नहीं बिलोंग करता, रीजन सिंपल है, क्योंकि ये कंबाइंड है, दोनों कंबाइंड है, अलग से ओपन नहीं है, ओपन ना होने की वजह से मैंने इसे बोल दिया ये क्या है, इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, अब कहोगे सर इसके अंदर ही तो है, अंदर है बट ये तो ये क्या है, इसके अंदर भी एक सेट बन के आ रहा है, इस वजह से अगर कंबाइंड की बात की जाती तो करेक्ट हो जाता, थ्री और फोर होता कंबाइंड तो करेक्ट होता, लेकिन ये कंबाइंड नहीं है, इंडिविजुअली पूछा जा रहा है तो इंडिविजुअली तो नहीं है यहां पे, तो ये क्या हो गया आपके पास, इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके पास है ये देखो, नेक्स्ट में आपसे कि भाई ये सबसेट के बाद एलिमेंट की बात की जा रही है। ठीक है, ये जब यूज होगा इसका मतलब है सबसेट। ठीक है, जब भी ऐसा यूज हो सबसेट, और जब इसकी बात यूज करी जाए तो इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। इसकी मीनिंग यहां पे क्या है, बिलोंग्स टू। ठीक है, यानी कि ये सिर्फ बिलोंग करती है। तो थ्री फोर जो है क्या ये सेट ए से बिलोंग करती है, बिल्कुल बिलोंग करती है, इसी के अंदर तो है ये थ्री फोर, यानी कि ये तो क्या होगा, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या ढूंढना था, इनकरेक्ट ढूंढना था, तो इस वाले में तो सिंपल लिख दोगे करेक्ट, लिख दोगे करेक्ट, क्यों लिख दोगे, क्योंकि ये थ्री और फोर जो आपके पास है ये सेट ए के अंदर एलिमेंट है इसके। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो ये थ्री एंड फोर जो कंबाइंड आपके पास जो सबसेट ये सेट है ये बिलोंग करते हैं ए सेट से, बिल्कुल करेक्ट है, रीजन मैंने बता दिया ये इसके एलिमेंट है। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं थर्ड पार्ट। देखते हैं थर्ड पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि भाई ये मान लेते हैं थ्री फोर एक सबसेट एक सेट है और इसके ऊपर भी एक और सेट है, क्या ये इसका सबसेट होगा क्या। हाँ ये हो जाएगा, देखो फर्स्ट में और ये फर्स्ट जो मैंने करवाया था और ये जो थर्ड करवा रहा, दोनों में डिफरेंस समझो। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले ये बात बिल्कुल ध्यान से समझ लो डिफरेंस क्या है। ठीक है, इसके अंदर क्या किया, ये थ्री और फोर को एक एलिमेंट मान लिया। ठीक है, थ्री फोर को एक एलिमेंट मान लिया और उसके अलावा एक और सिंबल यूज किया। इस एक और सिंबल का मतलब ये कि ये क्या बन गया, एक सेट बन गया पूरा, डबल ब्रैकेट लगाते ही, जब डबल ब्रैकेट लग गई इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका सबसेट हो जाएगा। ठीक है, सबसेट बिल्कुल हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि सेट ए के अंदर, ठीक है, सेट ए जो इतना बड़ा है इसके अंदर थ्री और फोर एक एलिमेंट है, कंबाइंड एलिमेंट है। हाँ जी बिल्कुल, एक कंबाइंड एलिमेंट इनके अंदर है सेट ए के अंदर। ठीक है, और ये जो आपको क्वेश्चन में दिया है थर्ड में कि बोला जा रहा है थ्री और फोर कंबाइंड एलिमेंट बताओ, इसके अंदर है क्या, है ऐसा सबसेट, बिल्कुल है। ठीक है, तो इस वजह से मैं इसका जो आंसर लिख रहा हूं थर्ड का लिख रहा हूं वो करेक्ट लिख रहा हूं। करेक्ट लिखने की वजह समझ में आ गया होगा कि थ्री और फोर जो है ये बिलोंग करते हैं जो गिवन है आपके पास, और थ्री और फोर इससे भी बिलोंग करते हैं, किससे, सेट ए से, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, जो गिवन किया है उसके अंदर भी बिलोंग करते हैं दोनों कंबाइंड, और जो अब ये थर्ड पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों कंबाइंड एक एलिमेंट बना करके फिर डबल सबसेट का सिंबल लगा लिया है, ब्रैकेट यूज किया, बिलोंग करते हैं, यस बिलोंग करते हैं, इट मींस ये करेक्ट हो गया। ठीक है, चलो अब देखते हैं फोर्थ। देखते हैं फोर्थ में आपसे ये बोला जा रहा है कि वन बिलोंग्स टू ए, यस वन इससे बिलोंग करता है, बिल्कुल बिलोंग करता है, ये देख इसके अंदर वन ए के अंदर है, यस ए के अंदर है फोर्थ में, तो सिंपल इसका तो बहुत सिंपल आंसर लिख सकते हो। ठीक है, यानी कि ये से बिलोंग करता है, यानी कि ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, यानी कि वन क्या है, वन इज एलिमेंट ऑफ ए, ए जो सेट है उसका एक एलिमेंट है ये। ठीक है, तो इस तरह से आप बोल सकते हो। अच्छा नेक्स्ट देखो, अब ये नेक्स्ट में यानी कि फोर्थ और फिफ्थ में डिफरेंस समझो। फोर्थ में तो आपको ये एलिमेंट के लिए चेक करने के बोला था, एलिमेंट है, और फिफ्थ में देखो एलिमेंट की जगह इन्होंने सबसेट यूज कर लिया कि वन इज ए सबसेट, वन तो एलिमेंट है भाई, सबसेट थोड़ी है, सबसेट नहीं है, तो यानी कि ये जो सिंबल सबसेट के लिए यूज किया ये गलत है, यहां पे क्या यूज होना चाहिए, नॉट ए सबसेट यूज होना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या यूज कर लिया, यहां पे सबसेट यूज कर लिया। दोबारा बताता हूं, ये वन क्या है, वन सबसेट नहीं, सबसेट के लिए तो हमें क्या है, कोई भी कैपिटल लेटर वन ए बी सी डी ये सब यूज होता है, लेकिन इन्होंने क्या किया, डायरेक्ट एलिमेंट रख दिया, कौन सा एलिमेंट, ये ए एलिमेंट उठा के यहां रख दिया, और आपसे बोला जा रहा है कि वन जो है वो सबसेट है, वन तो एलिमेंट है सबसेट थोड़ी है, तो अब ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, गलत हो गया, या नॉट ए सबसेट होना चाहिए था, और यहां पे क्या लगा दिया आपको, सबसेट का सिंबल दे दिया, तो इस वजह से ये गलत हो गया। तो मैंने देखो यहां आंसर भी लिखा है कि ये इनकरेक्ट है, रीजन क्या लिखा है समझो,
एन एलिमेंट ऑफ ए सेट कैन नेवर बी ए सबसेट, एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं हो सकता, ठीक है, वो इटसेल्फ सबसेट नहीं हो। सबसेट के लिए तो आपको कोई भी कैपिटल लेटर यूज करना है, ए बी सी डी, जैसे ए है, ए के लिए बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी, ये हो सकता है। एलिमेंट को कभी भी हम सबसेट नहीं बनाएंगे, ठीक है, एलिमेंट के कलेक्शन को हम सबसेट बनाएंगे और उसको प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट करना होगा ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अब देख लेते हैं सिक्स पार्ट, इसका देख लेते हैं। तो सिक्स पार्ट में आपसे बोला जा रहा है, सिक्स पार्ट में 1, 2, 3, अब ये ध्यान से देखो, 1 एरा 2 एरा 3 एरा। अब देखो 3 है इसके पास, बिल्कुल नहीं है 3 इसके पास, ठीक है, 3 क्योंकि 3 और 4 कंबाइंड है, ठीक है, याद रखना 1 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, कंबाइंड 3 और 4 एलिमेंट है इसके अंदर, और एक फिफ्थ एलिमेंट है, 5 जो एलिमेंट है ये 5 एलिमेंट है, ठीक है। सिक्स में आपसे बोला जा रहा है कि भी 1, 2 और 5 इसका अगर मैं एक सेट बना देता हूं, क्या ये ए का सबसेट होगा? यस, सबसेट होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल करेक्ट बात है, ये इसका एक सबसेट हो जाएगा, यानी कि ये आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, 6 ट्रू हो जाएगा, यानी कि 6 वाला आप इसे करेक्ट बोल सकते हो। करेक्ट क्यों बोल सकते हो? क्योंकि देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पे ब्रैकेट यूज नहीं किया और यहां ब्रैकेट यूज करके बताया गया है, ठीक है, ये डिफरेंस है, एक बेसिक डिफरेंस है, ठीक है, यहां पे ब्रैकेट यूज नहीं किया, यहां ब्रैकेट यूज कर लिया, तो आप ये बोल सकते हो कि 1, 2, 3 जो एलिमेंट है, ईच एलिमेंट 1, 2, 3 आल्सो प्रेजेंट इन, यानी ये किसके अंदर प्रेजेंट है, सेट ए के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये करेक्ट हो गया सिक्स वाला। अब देखते हैं सेवन पार्ट इसका, तो सेवन पार्ट में आपसे बोला जा रहा है 1, 2, 5, ठीक है, 1, 2, 5। अब देख लो भाई, यहां पे तो सबसेट यूज कर लिया था, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब नेक्स्ट वाले में सबसेट यूज नहीं किया, बिलोंग्स टू यूज कर लिया। अब बिलोंग्स टू किसके लिए यूज करते हैं? बिलोंग्स टू यूज करते हैं एलिमेंट के लिए, ठीक है, याद रखना है, बिलोंग्स टू यूज करते हैं एलिमेंट के लिए और ये यूज करते हैं सेट के लिए, ठीक है, तो यहां इन्होंने गलती कर दी भाई, ये बिलोंग्स टू थोड़ी लगना था, सबसेट लगना था, लेकिन इन्होंने बिलोंग्स टू लिख दिया, तो इट मीन्स ये भी गलत हो गया, गलत होने का मतलब है इनकरेक्ट हो गया। रीजन सिंपल है, क्यों? क्योंकि रीजन यहां पे एलिमेंट थोड़ी, ये तो सेट हो गया, तो ये आपका गलत हो गया, तो मैंने यहां देखो लिख दिया इसके लिए इनकरेक्ट, ये जो आपके पास गिवन है 1, 2, 5 एलिमेंट ऑफ ए, एलिमेंट थोड़ी है, ये तो सबसेट ऑफ ए बनना था, ये सिंपल ही गलत यूज कर लिया यहां पे, तो आप ये लिख दोगे 1, 2, 3 इज नॉट अ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, एलिमेंट थोड़ी है, ये तो इसके सबसेट है, ठीक है, यानी कि सिंबल आपसे गलत यूज करवा दिया गया इस क्वेश्चन के अंदर। चलो अब देखते हैं, जो ब्रैकेट यूज कर लिया इट मींस ये से बिलोंग करता है, यानी ये करेक्ट हो जाएगा, 11 करेक्ट हो जाएगा, 9 करेक्ट हो जाएगा, 10 करेक्ट नहीं होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट यूज नहीं हुआ हुआ है, ठीक है, तो आप आंसर कुछ इस तरह से लिख सकते हो कि भाई ये आपके पास जो है ये इनकरेक्ट हो गया, ठीक है, इनकरेक्ट क्यों हो गया कि ये से बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, और ये करेक्ट क्यों हो गया, क्योंकि ये फाइव यूज किया हुआ है, तो आप इस तरह से इसके आंसर को लिख सकते हो। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 के अंदर आपसे बोला जा रहा है कि भी ये कुछ पार्ट्स आपको दे दिए, कि 1, 2, 3, 4 ये पार्ट दे दिया आपके पास, और आपसे ये बोला जा रहा है क्वेश्चन के अंदर, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग, कि इसके अंदर सबसेट क्या क्या बन सकती है ये बताने आपको। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि फाइव क्या होगा, फाइव सबके अंदर बनेगा, फाइव क्या होगा, ये जितने भी सेट है सबके अंदर फाइव तो होता ही है, यानी कि जैसे फर्स्ट सेट है, फर्स्ट सेट आपके पास क्या है, जैसे मैंने इसका सोल्यूशन लिखा कि भी अगर मुझे इसका सबसेट बनाना हो तो इसके एलिमेंट मेरे पास क्या गया, एक तो ए रहेगा इसके एलिमेंट जो गिवन है, इसके अलावा फाइव इसके अंदर इंक्लूडेड होता है, लेकिन फाइव को हम लिखते नहीं है, तो अगर मुझे इसका सबसेट बनाना हो तो सबसेट बन क्या सकता है, एक तो ये बन गया इसका सबसेट, ठीक है, फाइव, और दूसरा क्या बन जाएगा, फाइव बन गया एक, और दूसरा मेरे पास क्या बन जाएगा, दूसरा ए बन जाएगा, ठीक है, ये दो बन गए। अच्छा, अब थर्ड की बात, सेकंड की बात करते हैं, तो सेकंड में आपके पास एलिमेंट आपके पास क्या क्या दे दिया, ए और बी दे दिया आपके पास, एक तो अकेला ए अगर मैं लिख लेता हूं ये एक सेट बन जाएगा, अकेला बी लिख लेता हूं ये एक सेट बन जाएगा, दोनों को कंबाइंड करूंगा तो भी एक सेट बन जाएगा, तो ये तीन इसके सबसेट होंगे। अच्छा, इसके अलावा एक बात मैंने आपको पहले भी बताई कि फाइव सबका सबसेट होता है, तो फाइव भी आप एक्स्ट्रा लिखोगे। अच्छा, अब आओ थर्ड के अंदर, तो थर्ड के अंदर भी पहले फाइव लिख लो, फाइव सबका होता है, उसके बाद एक बार वन के साथ ले लो, वन अकेला सबसेट हो जाएगा, टू एक बार अकेला सबसेट हो जाएगा, थ्री एक बार अकेला सबसेट होगा, वन टू के साथ एक बार सबसेट हो गया, टू थ्री एक बार अब सब सबसेट हो गया, और थ्री और वन भी एक सबसेट हो गया, अब तीनों कंबाइंड एक सबसेट हो गए, टोटल कितने हो गए काउंट कर सकते हो आप, ठीक है, यानी कि 1, 2, 3 का अगर मुझे सबसेट लिखना है तो 1 एक बार अकेला हो गया, एक बार 2 अकेला हो गया, ठीक है, उसके बाद 3 ये भी अकेला हो जाएगा, 1 और 3 को ले लो एक बार,
ठीक है, फिर टू और थ्री को ले लो एक बार, और उसके अलावा एक ले सकते हो, वन और थ्री तो ले चुके हैं, ठीक है, वन थ्री ले चुके हैं, एक कॉम्बिनेशन और बनेगा, वन थ्री भी हो गया, टू थ्री भी हो गया, थ्री और वन एक कॉम्बिनेशन और बनना चाहिए, वन थ्री हो गया, वन के साथ टू नहीं लिया मैंने, हाँ वन टू और ले लो, ये हो गया, ये कॉम्बिनेशन हो गया, और एक अकेला कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, वन टू थ्री का भी कॉम्बिनेशन आपके पास बन गया, तो ये इतने सारे इसके सबसेट बन जाएंगे, ठीक है। अब फाइव, फाइव तो ऑलरेडी सबका सबसेट होता है, ठीक है, तो फाइव का सबसेट क्या होगा, फाइव का सबसेट फाइव ही होगा, अब फाइव तो सबका होता ही है, तो इस तरह से फोर्थ क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, फिर ये इसको फर्स्ट पार्ट को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, बाकी सेकंड पार्ट में करेंगे, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आपका, फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे दे रखा है कि भी हाउ मेनी एलिमेंट, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं, इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, ठीक है। इफ ए इज अ फाइव, जब ये फाइव है, फाइव का मतलब क्या है, कितने एलिमेंट होंगे इसके अंदर, जीरो एलिमेंट है, फाइव, फाइव कब यूज होता है, जब इसके अंदर जीरो हो, ठीक है भाई। तो किसी भी सेट के अंदर अगर मुझे ये पता करना हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, तो उसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है, टू पावर एम होता है, ठीक है, क्या होता है फार्मूला, टू पावर एम, ये हम यूज करते हैं कि नंबर ऑफ सबसेट काउंट करने के लिए, कि कितने सबसेट बन सकता है किसी भी सेट के अंदर, और एम क्या होता है, एम यहां पे होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, एम की मीनिंग यहां पे क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट है, ठीक है। अब क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, जैसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपको ये बताना है कि हाउ मेनी एलिमेंट, कि नंबर ऑफ एलिमेंट बताने सेट ए के अंदर, पी ए का मतलब यहां पे क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट की बात पूछी जा रही है, और आपसे ये बोल दिया जा रहा है कि ए के अंदर के नंबर ऑफ सबसेट, सॉरी पी ए का मतलब, पी ब्रैकेट ए का मतलब है नंबर ऑफ सबसेट पूछा जा रहा है, ये पी ए की मीनिंग यहां पे ये है कि यहां पे नंबर ऑफ सबसेट कितने बन सकते हैं, ठीक है, और ये बोल दिया कि ए के अंदर एलिमेंट कितने, कोई एलिमेंट नहीं है, यानी कि जीरो है, और नंबर ऑफ एलिमेंट सबसेट का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है टू पावर एम होता है, एम का मतलब यहां पे क्या है, एम का मतलब यहां पे है कि नंबर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट कितने जीरो है, तो टू का पावर यहां पे जीरो हो जाएगा, तो जीरो होने का मतलब जब आप सिक्स सेवन में पढ़ते थे, सिक्स सेवन एट में, तो आपने ये प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी, अगर किसी के पावर अगर जीरो है, इट मींस उसकी वैल्यू क्या होगी, वन होगी, एलजेब्रा के अंदर बेसिक आइडेंटिटीज है। इसके अलावा आपने ये भी पढ़ा होगा, किसी की पावर अगर इन्फिनिटी है, ठीक है, इसका मतलब जीरो होता है, ये बेसिक प्रॉपर्टीज आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, वहां से यूज हो रहा है। तो आप लिख सकते हो इफ ए इज अ सबसेट, ए इज अ सेट, सॉरी ए क्या है, एक सेट है, और एम उसके अंदर क्या होगा, एलिमेंट होंगे, जितने भी एलिमेंट, सारे एलिमेंट होंगे, तो आपको नंबर ऑफ सबसेट निकालना है उसके अंदर, उसका जो फार्मूला होगा नंबर ऑफ सबसेट टू पावर एम होने वाला है, ठीक है। टू पावर एम का मतलब है एम यहाँ पे, टू तो फार्मूले से है, एम यहाँ पे क्या है, एम नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे क्या है, जीरो, फाइव का मतलब जीरो है, ठीक है, तो आपने यहाँ लिख दोगे जीरो लिख दोगे। अच्छा, अब नंबर ऑफ सबसेट निकालने का मतलब ये है कि भाई ये आप क्या करोगे, टू पावर एम पे ये फार्मूला लगा दोगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो टू की पावर के ऊपर क्या लगा दिया, जीरो लगा दिया, एम यहाँ पे क्योंकि हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, एम यहाँ पे जीरो आ रही है, एलिमेंट कितने, जीरो, एम फोर एलिमेंट है, तो ये जीरो हो गया, और ये आपके पास वन आ गया, यानी कि देयरफॉर आप लिख सकते हो इसके अंदर कितने एलिमेंट है, ओनली वन एलिमेंट, वन एलिमेंट का मतलब एक नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, वो भी वन ही बनेंगे, ठीक है। इस तरह से हम फार्मूले से निकाल सकते हैं, और ये आपको बेसिक फार्मूला है जो कि मैंने छोटी क्लासेस से आप लोगों ने पढ़ा होगा। आज जो आपके लिए फार्मूला जो आपको लर्न करना है, ये फार्मूला आपको लर्न करना है, टू पावर एम क्या होता है, किसी भी सेट के अंदर कितने सबसेट बना सकते हो ये पता लगता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो ये था बच्चों फर्स्ट पार्ट, जिसके अंदर हमने फाइव क्वेश्चन सॉल्व किए, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन हम लोग करेंगे सेकंड पार्ट के अंदर। वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड में शेयर करो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं 1.3 एक्सरसाइज के अब सेकंड पार्ट में, ठीक है। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार वीडियो को देख रहे हो, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलो फिर बाय आज के लिए, अब मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, नहीं इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वीडियो समझ में आ रहा है तो बताना, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लग रहा है, कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट करके नीचे पूछ सकते हो।